कि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं अपनी बात को दो शब्दों से शुरू करूंगा और कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसने की है हिफाजत उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। देखो जो सैनिक सरहद पर अपनी देश की रक्षा करता है उसके मन में एक भावना होती है, उस भावना को मैं मेरे शब्दों से व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐ देश तुझे नमन है मेरा, ऐ देश तुझे नमन है मेरा, जीऊं तो जुबा पे नाम हो तेरा और मर जाऊं तो तिरंगा कफन हो मेरा। आप सभी जो विद्यार्थी होनार मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो अभी आपका टाइम है परीक्षा के लिए बहुत ही प्रीशियस टाइम बचा हुआ है, कीमती टाइम बचा हुआ है, यही टाइम है कुछ कर दिखाने का। जो आपका टाइम जा चुका है उसको ध्यान में नहीं रखते हुए आगे जो टाइम बचा हुआ है उसमें अच्छे से तैयारी करनी है ना। एक बार की बात है कि एक बच्चा था और वो एक परिस्थिति से निकलता था दूसरी परिस्थिति में जाता था, परेशान हो जाता था। उसके बाद घर गया और अपने पिता से कहा कि जी मैं परेशान हो चुका हूं, हार चुका हूं, अब पार पड़े ना। तो उसका पिता एक कुक था, सेफ, सभी जानते हैं कुक। तो उसका पिता रसोई में गया और तीन कटोरियां ली, तीनों कटोरियों में पानी डाला और उस पानी को निरंतर गर्म होने दिया। उसके कुछ देर बाद उसमें एक जो कटोरी थी या मैं कहूं प्याला था उसमें पेटाटो डाला यानी आलू, और एक में डाला एग यानी अंडा, और एक में डाले कॉफी बीन्स। थोड़ी देर के लिए 20 से 15 मिनट के लिए सभी को गर्म होने दिया। उसके बाद 20 मिनट बाद उस बच्चे से कहा कि सभी को छू के देखो। तो उस बच्चे ने उसको छू के देखा, जो आलू पहले कठोर था वो अभी नरम हो चुका था। जो आलू पहले क्या था, कठोर था, वो अभी क्या हो चुका था साहब, नरम हो चुका था। जो अंडा पहले सॉफ्ट था वो अभी कठोर हो चुका था। और कॉफी बीन्स बोला इसका भी स्वाद चेक करके देखो। तो उसने तो उस परिस्थिति में उसका स्वाद ही बदल दिया है ना। तो सभी को सेम परिस्थितियों से अपन को निकलना होता है। तीनों चीज थी, एक आलू था, एक अंडा था, एक कॉफी बीन्स थी, तीनों ने एक ही चीज को फेस किया, गर्म पानी को। किसको फेस किया, गर्म पानी को। लेकिन एक जो पहले ठोस था वो भी सॉफ्ट हो चुका था, और एक जो पहले ठोस था सॉफ्ट हो चुका था, दूसरा जो सॉफ्ट था वो कठोर हो चुका था, और कॉफी बीन्स ने तो उसका स्वाद ही बदल दिया। तो हम सभी को उसी परिस्थिति से निकलना होता है। अब तय आपको करना है, आपको आलू बनना है, आपको अंडा बनना है, या आपको कॉफी बीन्स बनने। एक चीज कही गई है कि जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। यूं तो किस्मत बदल नहीं सकते हम, पर अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। टेस्ट योर डेस्टिनी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े हुए बैठे हैं, इधर भी और इधर भी, वो सभी मेरे से परिचित है। तो मैंने एक चीज देखी है कि कहीं ना कहीं बच्चे की जो मेन दिक्कत आती है वो गरीबी आती है। तो जब भी आप कभी मेहनत करो और आपका हौसला टूटे तो याद करना चंद्रगुप्त मौर्य को, उस गरीब के बेटे को जिसने नंद वंश का अपनी मेहनत के बल पे नाश किया था। याद करना अब्दुल कलाम को जिसने गरीबियों की बेड़ियों को तोड़ते हुए इस देश में ना सिर्फ नाम किया बल्कि एक सफल और प्रसिद्ध राष्ट्रपति भी रहे। याद करना जॉन स्टीव को जिसने एक सपना लिया था कि मेरे को एक उद्योगपति बनना है, और ना सिर्फ उद्योगपति बना, एक एप्पल जैसी कंपनी को उसने खड़ा किया। और एक बात कही गई है कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे सूरज ही क्यों ना हो धीरे धीरे उगता है, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे सूरज ही क्यों ना हो धीरे धीरे उगता है। दिया जाएगा।
अभी जो बच्चियां एक नन्ही सी परी का एक प्रोग्राम लेके आई थी, सभी बच्चों के लिए एक एक स्वेटर मेरे नाम से साला प्रांगण में कल में या आज में जमा करा दिए जाएंगे। अभी 4 या 7 बच्ची आई थी छोटी छोटी नन्ही सी बरी, उनके लिए सभी को मेरी तरफ से एक एक स्वेटर 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, और जो चाहो वो ना मिले तो कुछ अच्छा लिखा है अपनी तकदीर में। टेस्ट योर डेस्टिनी। धन्यवाद।